सो ही प्रेम आर्मी, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। सो आ चुके एक और गेम प्ले वीडियोस के साथ में, और आज की जो गेम प्ले वीडियोस है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की गेम प्ले वीडियोस में आपको AKM प्लस 4X देखने को मिलेगा। एंड भाई AKM के स्प्रे तो आप समझ ही सकते हो यार, AKM अपना फेवरेट गन हो चुका है। और हम यहाँ उतरे थे ओल्ड वेसन, और उतरते ही गाइस यहाँ पे स्क्वाड आ गई थी, और ये मिला था मेरे को शॉट गन। और भाई यहाँ से मैंने 2-3 शॉट मार दिए शॉट गन से ही, भाई लगा उसको लेकिन डैमेज नहीं हुआ होगा, मरा नहीं, नॉक नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरे को यूजी मिल चुका है। अब मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ, देखता हूँ बंदा कोई दिख जाए तो नॉक कर दूंगा। बट यार इस मेरे बगल में मेरे टीममेट के पास एक बंदा आ चुका है, तो चलता हूँ मैं वहाँ पे फटाफट से, यहाँ से मिनी उठा लेते हैं। अब यहाँ पे यार मेरा टीममेट एक बंदे को मार देता है, जहाँ से मेरे को AKM प्लस 4X मिल जाता है। अब यार ये जो AKM प्लस 4X है ना, पूरे गेम में चलाने वाला हूँ, और साथ में मेरे पास और भी बुलेट थे AKM के। तो यहाँ से अब देखो यार मैं कैसे मारता हूँ सबको। आगे बढ़ लेते एक है बस। गाइस अगर आपको यहाँ वाला क्लिप अच्छा लगा हो तो यार प्लीज एक बार लाइक वाला बटन दबा दो। एंड यहाँ पे मैंने 3 बंदे नॉक कर चुका हूँ इनके, तो अभी आगे जाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं एक बंदा इनका कहाँ पे है, तो फिलहाल तो अभी इनके लूट लेते हैं माल पानी। और यहाँ पे एक बंदा नॉक पड़ा हुआ, तो इनको भी भाई फिनिश करते फटाक से। ये भी नॉक पड़ा हुआ, इसको फिनिश करते। अब मैं सामने मार ही रहा था कि मेरे ऊपर गाड़ी रस गई थी, तो देखो यार मैं क्या करता हूँ। अब पता नहीं क्यों यार ये गाड़ी लेके मेरे पास चला आया था, मतलब मरने के लिए आया था या फिर क्या करने आया था। और इसका टीममेट भी भाई ऐसे पीक ले रहा था कि भाई क्या ही बोले, मतलब दोनों को फिनिश कर दिया हम लोग। अब सामने एक और बंदा था जो कि यहाँ पे जो कि TPP ले रहा था, और तभी से मारे जा रहा था। तो अभी मैं थोड़ा सा क्लोज इन करूंगा, और देखो यार मैं इसको भी कैसे निपटाते हैं। गाइस आपने एक चीज नोटिस की, अभी तक मेरे को वेस्ट नहीं मिला है, और मैंने कितने बंदे मार दिए भाई पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लूटता हूँ, और यहाँ पे फाइनली मेरे को लेवल 3 का वेस्ट मिलता है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक बोट भैया मिल जाते हैं, तो देखो यार उनको भी कैसे निपटाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यार बोट नहीं मिलेंगे यार, तुम्हें हर मैच में बोट्स मिल जाएंगे। अब तुम भी खेलते हो यार, तुम लोगों को भी बोट्स मिलते होंगे। अब मेरे मैच में बोट्स आ जाते हो तो यार आप लोग कमेंट में लिखते हो बोट मारते हो, ये मारते हो, वो मारते हो, तो यार क्या मतलब ये क्या बोलना चाहते हो तुम लोग। अब यार मैं ऐसे ही आगे जा रहा था, भाई यहाँ पे एक और बोट मिल जाता है। तो इसको भी निपटा देते हैं, और हम लोग फिर से अब आगे की तरफ लिख लेंगे, क्योंकि अभी बंदे और ढूंढने हैं और बंदे मारने हैं। तो मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि भाई यहाँ पे और बॉट मिल जाते हैं, तो देखो यार उनको भी कैसे निपटाते हैं। फिलहाल तो ये बॉट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यार ये पूरी मेरे गेम प्ले खराब करने चले आते हैं, जिसे आप लोग बोलते हो कमेंट्स में भाई कि तुम बॉट्स मार रहे हो। अभी जितने मैंने बॉट्स मारे इतने ही बॉट्स मारे हैं, अभी जितने बंदे मारेंगे वो सारे के सारे रियल प्लेयर मारेंगे। तो अभी मैं थोड़ा आगे आता हूँ, और यहाँ पे गाइस एक बंदा दौड़ते हुए मिल जाता है, देखो यार मतलब इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया था, बस ये बीच में पत्थर आ गया, नहीं तो इसको मैं नॉक कर देता। अब मैं सीधा रस कर देता हूँ, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा डैमेज दे चुका हूँ, और मुझे पता था ये कहाँ जाके हील करेगा। तो अब देखो यार ये परफेक्ट नेट कैसे जाता है। तो बंदा नॉक हो जाता है इजीली। अब मैं जैसे ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाने के बाद से इसको फिनिश करते हैं। अब मैं इसको फिनिश करने में बिजी था, और भाई मेरे को पीछे से पड़ने लगती है, तो भाई देखो उसको भी कैसे निपटाते हैं हम। आया तो
तो बंदे ने जैसे ही नेट पिन किया भाई, मैं तुरंत कूद के इसको नॉक कर दिया और यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया हम लोग। अब इसका टीममेट को मैं ढूंढ रहा था भाई, टीममेट मिला नहीं, तो हम लोग यहाँ से निकल गए और भाई थोड़ा सा आगे चल गए क्योंकि वहाँ पे फायरिंग चल रही थी। अब यार सामने से फायरिंग चल रही थी तो भाई चलो यार उनको भी निपटाते फटाक से। अब इस बंदे को यार ऑलमोस्ट 1 HP छोड़ा था और भाई ये पेड़ के पीछे चला गया, तो मैं थोड़ा सा आगे जाके देखो यार इसको कैसे नॉक करता हूँ। तो यहाँ पे इस बंदे को मैंने इजीली जो है कि फिनिश कर दिया। अब मैं यार ऊपर जाता हूँ क्योंकि यार ऊपर बंदा था, मेरा टीममेट बोल रहा है कि ऊपर जो है कि बंदा है, तो मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ और भाई देखता हूँ भाई वो बंदा कहाँ पे है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ तो यार मेरे को थोड़ा सा आवाज आती है फुटस्टेप की, तो देखो यार कैसे निपटाते हैं। तो फिलहाल तो इस बंदे को भी हम लोग निपटा लेते हैं और भाई इसका एक टीममेट में ढूंढने लगता हूँ, भाई मिलता नहीं है तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ निकल लेता हूँ। तो फिलहाल तो यार सामने से फायरिंग आ रही थी तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और भाई यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक गाड़ी लगी हुई है और इस घर पे एक बंदा मेरे को लग रहा था कि है, तो मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ भाई क्योंकि मेरे को बंदे मारने थे और मेरे को किल चाहिए था। तो मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ और आगे आने के बाद से मैं देखता हूँ भाई रीच पे बंदे थे। देखो मैं इसको डैमेज तो देता हूँ बट ये नॉक नहीं हो पाते भाई, बहुत दूर थे वो लोग। और भाई 4x का रिकॉइल तो आपको पता ही है, एक में 4x चला के देखना बहुत ज़्यादा पाउंड जाता है। तो यार मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, आगे जाने के बाद से ये वाला घर पहले फिनिश कर देते भाई। इस वाले घर पे एक बंदा था तो भाई देखो यार उसको कैसे निपटाते हैं हम लोग। अब मैं जैसे ऊपर आता हूँ तो भाई यहाँ पे मेरे ऊपर मॉली करने की कोशिश करता है बट मैं उसको नॉक कर देता हूँ। अब यार यहाँ पे दो दो बंदे पीक लेके बैठे हुए, तो भाई तुरंत मैं नीचे आ जाता हूँ क्योंकि यार ये इजीली मेरे को नॉक कर देते अगर मैं ऊपर रहता। तो यहाँ से मैं पीक लेने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से मैं एंगल उंगल लेने की कोशिश करता हूँ बट एंगल नहीं मिल पाता है। अब यार जोन जो है कि स्टार्ट होने वाला था, 11 सेकेंड बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि थोड़ा बूस्टअप कर लेते हैं और उसके बाद से हम लोग जोन की तरफ निकलेंगे और जो बंदा जोन के अंदर आएगा उसको मैं मारेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एमो ले लेता हूँ अपने टीममेट से और यहाँ पे यार मैं जैसे नीचे आता हूँ भाई मेरे ऊपर ग्रेनेड फूट जाती है, मतलब मेरे सामने फूटती है मेरे ऊपर नहीं फूटती है। तो यार मैं हम लोग यहाँ पे चल जाते हैं जोन में क्योंकि अभी जोन स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले मैं सोचता हूँ कि चलो भाई जोन चलते हैं, अब ये लोग उतरेंगे क्योंकि ये लोग जोन में नहीं है, तो जोन में जैसे आएंगे इनको मारा जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यही वेट कर रहा था कि भाई बंदे आएंगे और मैं थोड़ा सा लेफ्ट आया और लेफ्ट आते ही भाई मेरे को बंदा दिख जाता है, तो देखो यार कैसे निपटाते हैं। तो फिलहाल तो मैंने एक बंदे इनको फिनिश कर दिया है। अब यार इनके दो बंदे थे, दोनों के दोनों लेफ्ट आ चुके थे, तो देखो यार उनको भी कैसे निपटाते हैं। अब यार मेरे को लगा कि यहाँ पे एक ही बंदा है और जैसे आगे जाता हूँ तो यार मेरे को टीममेट को एक बंदा नॉक कर देता है, तो मैं उसको इजीली देख लेता हूँ क्योंकि वो ड्रॉप के पीछे था और मैं उसको फिनिश करके मैं अपने टीममेट को रिवाइव दे देता हूँ फटाफट से। अब यहाँ पे यार मेरे को डर लग रहा था क्योंकि यार मैं ओपन में रिवाइव दे रहा था और मेरे 20 किल हो गए थे, तो मैं सोच रहा था कि भाई मेरे गेम प्ले खराब ना हो जाए, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ और आगे आता हूँ तो यार मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे पेड़ के पास एक बंदा है, तो देखो यार कैसे निपटाते उसको। अब इस बंदे को तो मैं इजिली नॉक कर देता हूँ लेकिन यार मैं लेफ्ट में देखता ही नहीं हूँ और ये बंदा मेरे को इजिली नॉक कर देता है और यहाँ पे यार मेरा टीममेट मार के चिकन डिनर निकाल देता है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे 21 किल के साथ चिकन डिनर हो जाता है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। एंड अगर आप चाहते हो कि जायरो पे मैं वीडियो बनाऊँ एंड सेंसिटिविटी पे वीडियो बनाऊँ, तो आपको इस वीडियो पे कम से कम 2000 लाइक्स कंप्लीट कराने होंगे तभी जाके मैं वीडियो बनाऊंगा, जब तक नहीं होता है तब तक वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। एंड गाइस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Down.
down.